सो हेलो गाइज, मेरा नाम है वैसा मदर, वेलकम टू माय चैनल एंड्रॉइड 966। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप किसी भी म्यूज़िक से आप वोकल्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं। वैसे तो नॉर्मली वोकल्स को रिमूव करने के लिए आपको पीसी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सॉफ्टवेयर ही वहाँ पे जो ऑडासिटी सॉफ्टवेयर है उनसे आपको करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने लगा हूँ कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को यूज़ करते हुए ये काम कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। और मैं समझता हूँ कि इस यूट्यूब पे इस तरह की वीडियो नहीं होगी। मैं जो आपको बताने लगा हूँ एक एप्लीकेशन, इसका रिव्यू अभी यूट्यूब पे नहीं किया गया, तो मैं आपको बता रहा हूँ। और मैंने इस एप्लीकेशन को ट्राई किया, इसने मुझे 100% रिज़ल्ट बिल्कुल करेक्ट दिया है। और यहाँ पे ये हर म्यूज़िक के वोकल्स को बहुत ही आसानी से रिमूव कर देता है और इसके अंदर ज़्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ता। काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए आपने ये वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है, इसे स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे म्यूज़िक्स को ट्राई किया है, मैंने बॉलीवुड के भी म्यूज़िक्स ट्राई किए हैं। और मैं आप जो आज की वीडियो में दिखाऊँगा वो मैं यहाँ पे NCS का ये म्यूज़िक जो है आर्लो वाला, तो ये भी आपको प्ले करके दिखाता हूँ। इसके अंदर इसके वोकल्स हैं, यहाँ पे लिरिकल म्यूज़िक है, तो इसको अब रिमूव करेंगे हम इसके वोकल्स को। तो क्योंकि मैं यहाँ पे तो कोई बॉलीवुड वाला या कोई और म्यूज़िक नहीं चला सकता क्योंकि कॉपीराइट का मसला आ सकता है, लेकिन मैंने ट्राई किया था उस ऐप के अंदर तो वो भी उसने बिल्कुल ठीक है। इसका AI जो ऐप का AI है बहुत ही कमाल का है, तो 100% रिज़ल्ट ठीक देता है। तो बाकी मैं आपको बताता हूँ कि ये पहले एक म्यूज़िक है, आप पहले ये देख लें, यहाँ पे म्यूज़िक आप सुन लें, ये लिरिकल म्यूज़िक है, तो आप ये म्यूज़िक सुने। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये स्टार्टिंग से इसकी लिरिकल म्यूज़िक है, यहाँ पे लिरिक्स हैं, इसके वोकल्स हैं, तो हम इसको रिमूव करेंगे अब एप्लीकेशन में। अब मैं आपको एप्लीकेशन में ले चलता हूँ, तो एप्लीकेशन कौन सी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सो ये बेसिकली एप्लीकेशन है, मैंने ये ओपन की हुई है, आप ऊपर देख सकते हैं रीसेंट में जो मैंने एक म्यूज़िक इसका मैंने वोकल्स रिमूव किए हैं, वो ये आप देख सकते हैं पॉपुलर म्यूज़िक है, काफ़ी लुट गए, तो ये मैंने म्यूज़िक के वोकल्स रिमूव किए थे और बिल्कुल 100% रिज़ल्ट ठीक मुझे मिला था। तो ऐप का इंटरफेस इस तरह का है, करना क्या है आपने सिंपल प्लस पे क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद आपने अपनी फाइल्स में चले जाना है जहाँ पर आपका वो म्यूज़िक है। तो यहाँ पर मैं अपनी फाइल्स में आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं म्यूज़िक यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मेरे म्यूज़िक का नाम था आर्लो, तो यहाँ पे आर्लो वाला म्यूज़िक जो है वो यहाँ पे मुझे मिल गया है, ये मैं सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, तो ये है टू ट्रैक सेपरेशन, यानी आप वोकल्स और इंस्ट्रूमेंटल जो है वो आप रिमूव ये इस सेपरेट कर सकते हैं, यानी आपके वोकल्स अलहदा हो जाएंगे और जो म्यूज़िक आपके पीछे बजता है गाने के वो अलहदा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दूसरा मोड है फोर ट्रैक सेपरेशन, यानी जिसके अंदर ड्रम्स बेस और ये ड्रम्स बेस को भी अलहदा अलहदा कर देगा। उसके बाद फाइव ट्रैक्स हैं, इसके अंदर आपको और ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ आपने जो सिंपल करना है वोकल्स रिमूव करने के लिए, वो सिंपल पहले वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करके आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपकी फ़ाइल अपलोडिंग होगी, तो ये थोड़ा सा इंटरनेट मेरे ख्याल से लगता है यहाँ पे, तो अपलोडिंग हो गई है। उसके बाद यहाँ पे अब ये क्यूड के अंदर है, तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसके ऊपर प्रोसेसिंग के अंदर टाइम लगेगा, तो बाकी यार इसको टाइम लगाने दो, थोड़ा सा टाइम लगाता है, इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा ना बहुत ही कमाल का रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। इसका AI काफ़ी अच्छा बनाएगा, ये एप्लीकेशन काफ़ी कमाल की है, तो अभी आपको रिज़ल्ट इसका देखने को मिलेगा। मैं फिर आपको दिखाता हूँ, इसको प्रोसेसिंग होने देते हैं, तो यहाँ से वीडियो को स्किप करते हैं और जैसे प्रोसेसिंग होती है फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो यहाँ पे ये प्रोसेसिंग फेज़ के अंदर चली गई है, तो प्रोसेसिंग भी होने देते हैं और फिर देख ओके। प्रोसेसिंग फेज़ के अंदर थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आपने इसको होने देना है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ये आपको कह रहा है कि
आपको प्रीमियम इसका परचेज़ करना पड़ेगा अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना चाहते हैं ऐप को। यानी इसके अंदर जो म्यूज़िक्स पड़े होते हैं वो 3 दिन के लिए पड़े रहेंगे, उसके बाद यहाँ से खुद ब खुद ही डिलीट हो जाएंगे। तो अगर आप वो चाहते हो कि लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप इसका प्रीमियम परचेज़ कर दो, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं, हमने तो 3 दिन के अंदर हम इसको सेव कर लेंगे पहले ही। उसके बाद ये मेरा म्यूज़िक आ चुका है आरलो, देख सकते हैं जैसे ये आरलो था। आपने करना क्या, सिंपल पहले इसे डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, तो इस पे डाउनलोडिंग पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इंटरनेट पे आपका ये बेस करता है, तो ये डाउनलोडिंग होने देते हैं। उसके बाद जो आपने करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे 17% है, तो इसको हम होने देते हैं फिर मैं। सो जैसे ही आपका म्यूज़िक डाउनलोड हो जाएगा, उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे टैप करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अभी म्यूज़िक मेरा चल रहा है, तो इसको पहले मैं बंद करता हूँ। मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। यहाँ पे देखें, इसके ऊपर जो दो सेक्शन है, एक है वोकल्स और एक है इंस्ट्रूमेंटल, तो हमने इसके रिमूव करने हैं वोकल्स। तो अभी तो ये दोनों आप देख सकते हैं मिड के अंदर हैं, यानी दोनों काम कर रहे हैं। तो हमने जैसे कि म्यूज़िक को मैं चलाता भी हूँ, तो यहाँ पर इसके लिरिकल वोकल्स हैं, यहाँ पर वोकल्स की आवाज़ आ रही है, ये आप देख सकते हैं। अब वोकल्स को रिमूव करना है, उसके लिए हम वोकल्स को यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो देख सकते हैं वोकल्स रिमूव हो गए हैं और सिर्फ ये म्यूज़िक रह चुका है, आप उस सुन सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कितनी आसानी से वोकल्स को रिमूव कर दिया गया है। यहाँ पे इसका AI मैंने आपको बताया काफ़ी कमाल का है, तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से आपको कर देगी। तो बाकी अब हमने इसको सेव कैसे करना है, एक्सपोर्ट कैसे करना है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपने एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ और ऑप्शन देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपने करना क्या है, आपको यहाँ पर जो सा आपने सेव करना चाहते हैं, वोकल्स को सेव करना चाहते हैं वोकल्स आप कर सकते हैं, और इंस्ट्रूमेंटल यानी हमने तो इसके वोकल्स को रिमूव करना है और हम इसको सेव करेंगे इंस्ट्रूमेंटल में। यहाँ पे आपको फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा, आप WAV फॉर्मेट में कर सकते हैं और MP3 में। तो मैं आपको कहूँगा MP3 में, ठीक है आप MP3 में करें। उसके बाद यहाँ पर MP3 में अगर आप करेंगे तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता इस ऐप में। आपको करना क्या पड़ेगा, आप यहाँ पे वैसे तो शेयर कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे यहाँ पे शेयर कर दें, इस तरह कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, इसे किसी यहाँ पे फाइल फोल्डर में सेव करना चाहते हैं, उसके लिए आपको फिर ये ऐप का यूज़ करना पड़ेगा। इन ऐप को आपको ज़रूरत पड़ेगी, एक है जेड अचीवर और एक है यहाँ पर सॉलिड एक्सप्लोरर। बेसिकली ये फाइल मैनेजर्स हैं, तो ये आपको पता ही होगा, कुछ लोगों को तो आपको प्ले स्टोर से मिल जाते हैं। इनमें से आप कोई भी डाउनलोड कर लें, मैं सॉलिड एक्सप्लोरर यूज़ करता हूँ, तो ये सिंपल मुझे कहीं पे भी जाके ना सेव करने में मदद देता है। तो ये मैं सेव टू करके यहाँ पे मैं किसी भी एक फोल्डर में मैं यहाँ पे इसे सेव कर देता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक ये फोल्डर है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर दूँगा, तो मेरी यहाँ पे सेविंग फाइल हो गई है। उसके बाद ये मेरा म्यूज़िक वहाँ पर मेरी म्यूज़िक लाइब्रेरी में भी आ जाएगा, वहाँ पर भी हम देख लेते हैं। सो यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं मेरा मैसेज भी आ चुका है कि कॉपी हो गया है। उसके बाद मैं अपने म्यूज़िक प्लेयर में जाता हूँ, यहाँ पे इस तरह का आपको यहाँ पे नाम देखने को मिलेगा, एकम्पेनियमेंट इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, तो यही आपका वो म्यूज़िक होगा, ठीक है। इसको आपने फिर आप यहाँ पे सुन भी सकते हैं, ये वही म्यूज़िक है आरलो, और यहाँ पे इसके अंदर वोकल्स को रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। पूरा म्यूज़िक आप देख सकते हैं। तो यार ये काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कहाँ से करना है, आपने प्ले स्टोर से सिंपल डाउनलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है मोइज़िस, तो ये एप्लीकेशन है, तो जिससे यही एप्लीकेशन है आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। आप इसके डाउनलोड्स देख सकते हैं 500K प्लस है, तो अभी इतने इसके डाउनलोड्स भी नहीं हैं, तो इतने तो कम ही हैं इतने। तो यहाँ पे इसको आपने जैसे ही डाउनलोड कर लेना है, उसके बाद आपने इसे ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो अकाउंट के लिए आप यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं गूगल के साथ, फेसबुक के साथ, ट्विटर के साथ, या किसी भी दूसरी ईमेल के साथ आप कर सकते हैं। तो आप टेम्परेरी ईमेल भी यूज़ कर सकते हैं, मैं टेम्परेरी ईमेल यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप टेम्परेरी ईमेल लगा के साइनअप कर लें, उसके बाद आपको आपका अकाउंट मिल जाए। सो यहाँ पे मैंने एक टेम्परेरी ईमेल यहाँ पर लगा दी है, आप देख सकते हैं, आप भी ये टेम्परेरी ईमेल लगा लें। उसके बाद पासवर्ड लगाने के बाद आप साइनअप पर क्लिक करें। साइनअप पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड आ जाएगा, आप स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे।
उससे पहले आपको एक और यहाँ पे काम करना पड़ेगा, आपने जो मेल लगाई है जो उस पर आपको एक वेरिफिकेशन मेल भी जाती है, जैसे कि आप समझ लें वैसे कोई भी गूगल की आप लगाते हैं वेरिफिकेशन मेल आ जाती है ना, उससे वेरीफाई करना पड़ता है, आप वहाँ पे उसको वेरीफाई भी कर लें। उसके बाद यहाँ पे आपको वो प्लस का बटन मिल जाएगा और अपनी आप फाइल क्लिक करके तो कोई भी म्यूज़िक का आप वोकल्स रिमूव कर सकते हैं। सो यार यही थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी ये वीडियो। सो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। तो अपने दोस्तों सारों को बताओ जो ये वीडियो देखना चाहते थे इस तरह वोकल्स को रिमूव, और इतना इजी वे है इस मेथड से, आप इस ऐप को यूज़ करके काफ़ी इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो ये 100% एक्यूरेट होता है, तो आप इसको अब कोई भी पीसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम अपने मोबाइल पर सब कुछ कर सकते हैं। तो ये थी वीडियो यार, बाकी सोशल मीडिया फॉलो नहीं किया वहाँ पे भी ज़रूर फॉलो कर लो, और चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं अभी तक किया तो कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस चैनल पे आती रहती हैं। तो बेल आइकन को लाजमी से प्रेस करके आर पे भी क्लिक कर लेना सो ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। बाकी चैनल खोल लो यार, चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, कोई भी आपको पसंद आ सकती है देख लो। तो मैं मिलता हूँ किसी और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।